हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो हमने लास्ट जो पार्ट वन था उसके अंदर डिस्कस किया था क्यों लोग एफ एंड ओ के अंदर लॉस लेते सिस्टेमेटिक वे से मैंने पूरा समझाया था ओके okay, फ्रेंड्स तो अगर आप आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है ओके फ्रेंड्स तो प्लीज वॉच दिस वीडियो मैंने ऊपर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ओके फ्रेंड्स तो वहां पे जाके आप पार्ट वन

टोटल कैलकुलेशन होल्ड करने के लिए अपन का जो टोटल जो पोजिशन साइजिंग है दैट इज सेवन पॉइंट फोर लैक्स और इनिशियल मार्जिन हमें पे करना पड़ता था ओनली वन पॉइंट थ्री टू लैक्स फाइव परसेंटेज इनिशियल मार्जिन यस फ्रेंड और ये जो टू फिफ्टी क्वांटिटी जो हमारे हाथ में नहीं है उनको किस तरह से हम वेरी कर सकते किस तरह से हम चेंज कर सकते हो और ये जो पूरी पोजिशन है वो हमारे हाथ में ले सकते हो तो फॉर दैट यू नो आई इंट्रोड्यूस ट्रेडिंग रियली न्यू प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट राइट ना बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो और लॉर्ड साइज आपके हाथ में रखनी है लाइक अ डिलीवरी ट्रेडिंग देन इज द द वन ऑफ सोल्यूशन क्योंकि एम टी एफ के अंदर आप ये जो 250 quantities जो 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 के अंदर है, है वो आपके हाथ में आ जाती say, I, I want to calculate आपको करनी रहती है रिलायंस इंडस्ट्री के ओके okay, 2974 प्राइस के हिसाब से दैट इज वन लैक्स एट के मतलब आपकी पोजिशन रहती है okay, friends, जिसके अंदर आपको सिर्फ ट्वेंटी फंडिंग करना है और रिमेनिंग जो कोटक uh, जो सिक्योरिटीज है वो आपको 1.18 ऊपर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है मतलब फोर एक्स मार्जिन यू गेट फ्रॉम द ब्रोकर एमटीएफ ट्रेडिंग ओके एमटीएफ के अंदर भी आपको मार्जिन मिलता है यहाँ पे भी मार्जिन मिलता है बट यहाँ पे चेंजेस क्या है एमटीएफ ट्रेडिंग का तो वो थोड़ी चीजें हम समझ लेते हैं कि योर बाइंग पावर इज इंक्रीजिंग अप टू फोर टाइम्स यस फ्रेंड्स ट्रेड नाउ एंड पे लेटर काइंड ऑफ थिंग्स इट्स कॉल्ड द एमटीएफ ट्रेडिंग ओके फ्रेंड्स नो लिमिट नो टाइम लिमिट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ द एमटीएफ ट्रेडिंग जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो यू नो तो आपको पता है कि आपका ये जो ये जो लॉट है वो थर्टी अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा Yes, आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा चल रहा है तो। तो 31st के इसको आप अनिमिटेड टाइम है नो वॉट एवर यू वुड लाइक टू होल्ड ओके जितने भी साल आप होल्ड करना उतना कर सकते हो ओके okay, फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप इसको टाइम लिमिट्स नहीं है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर आप यू नो लाइक ईटीएफ्स में काम करना चाहते हो दैट्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट सम ना ओके एंड लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट यू नो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट यू हैव टू पे ऑन द मार्जिन क्योंकि आप जब एम टी एफ ट्रेडिंग करते हो तो ये जो मार्जिन है दैट इज वन पॉइंट वन एट लैक्स यस फ्रेंड्स ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है ये मार्जिन के ऊपर आपको डेली बेस पे इंटरेस्ट पे करना होता है यस फ्रेंड्स तो फिफ्टी थाउजेंड अगर आप ब्रोकर से लेते हो तो फोर्टीन रुपीज आपको पे करना पड़ता है और अगर आप वन लैक्स के अराउंड ब्रोकर से लेते हो तो नियरली आपको ट्वेंटी एट रुपीज पर डे पे करने पड़ते yes हैं यस फ्रेंड्स दैट्स द पड़ता है आपको वन पॉइंट वन एट्स लिया है तो नियरली अराउंड यू नो थर्टी रुपीज के अराउंड आपको इंटरेस्ट पर डे पे करना पड़ेगा That is to be lowest interest. I think total yearly if interest calculated interest per annum. So that is 9.75% per annum interest. That is the lowest interest rate. Yes, friends. Normally, hardly you hold any positions nearly less than one month. आप जब ये पोजिशन को होल्ड करते हो यस yes फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं लगता क्योंकि आप पर डे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो जीरो पॉइंट जीरो टू एट परसेंटेज अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो जीरो पॉइंट जीरो टू एट परसेंटेज पर डे यू पेइंग इंटरेस्ट टू द ब्रोकर ओके फ्रेंड्स एंड यू नो लाइक फिफ्टी था कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लॉर्ड साइज आपके हाथ में है एंड डिसाइड योर इनिशियल यू नो इनिशियल एंट्री इनिशियल मार्जिन आपकी जो इनिशियल पोजिशन है वो आप डिसाइड कर रहे हो जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप नहीं डिसाइड करते हो इन योर हैंड नथिंग यू नो यू कैन टेक आइदर लॉस और आइदर प्रॉफिट्स ओके फ्रेंड्स क्योंकि लॉट साइज आपके हाथ में नहीं है शेयर प्राइस आपके हाथ में नहीं है ओके फ्रेंड्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको लास्ट में लेना पड़ता है जबकि एम ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन मिलता है आपको मार्जिन चाहिए राइट कम कैपिटल में आपको ट्रेडिंग करना है जैसे आप फ्यूचर में कर रहे हो एफ के अंदर लोग क्यों करते हैं क्योंकि आपको इनिशियली वन पॉइंट थ्री टू लैक्स पे करना है

आपका जो फाइवलैक्स था उनके सामने आपका सिर्फ थर्टी ट्वेंटी यूज हुआ है मतलब आप अभी भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें शेयर्स में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो जबकि आप फ्यूचर ट्रेडिंग यूज करते हो के, तो वन टू टू शेयर्स मतलब अगर फाइवैक्स के वन पॉइंट थ्री टू लैक्स ऐसे आप पांच छह पोजिशन बनाओगे तो आपका पूरा खत्म हो गया कैपिटल ही खत्म हो गया ओके फ्रेंड्स और इसके अंदर भी कहीं में लॉस आ गया तो पूरा वाइप आउट खत्म गेम ओवर ओके खत्म ऐसा हो जाता है यस फ्रेंड्स तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा लॉजिकली थॉट प्रोसेस लगाए कि एम टी एफ इज सेव योर कैपिटल एज वेल एज यू नो यू कैन यू नो प्ले विद विदर पीरियड ऑफ टाइम यस फ्रेंड्स और ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स को इसके अंदर मिक्स मत करना प्लीज ओके सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इनको लॉजिकली सोचते हो तो एम टी एफ इज अ सोल्यूशन फॉर यू

अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस ले लेकर थक चुके हो ओके okay फ्रेंड्स और आपको एम टी एफ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो प्लीज व्हाट्सएप मी ओके विल गाइड यू एग्जैक्ट वे हाउ यू कैन डू द एम ट्रेडिंग इन योर पोर्टफोलियो ओके फ्रेंड्स एंड यू विल यू नो स्टार्ट दिस जर्नी विद द प्रॉफिटेबल जर्नी यू नो बिकॉज यू नो ऐसा नहीं होता है कि हर एक जगह पे लॉस ही होता है जब आप राइट right चीज को राइट right वे से इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली यू विल मेकिंग मनी in next few years yes friends and whatever you lost taking in the future trading that will be reback you know ये आपका आ जाता है जब आप सही कदम लेते हो अपनी लाइफ में और ये कदम लेने के लिए ही ये प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूं ट्रेडिंग के लिए यस yes, आप इस काइंड ऑफ डिलीवरी ट्रेडिंग भी आप इसको समझ सकते, okay, सकते डिटेल में हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे पार्ट okay, वन so, okay. फिर से आप देख लीजिए ओके फ्रेंड्स एग्जेक्टली ये वीडियो का जो होल जो एम है वो आपको पता चल जाएगा ओके फ्रेंड्स तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि लोग रिटेलर्स जो है वो नए आते हैं मार्केट्स में और जल्दी पैसा कमाने की लालच में एफएंड ओर स्टार्ट कर देते दैट इज टू बी यू नो इट्स नॉट गुड फॉर यू इट्स रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ओके एंड लॉट्स ऑफ मनी टू सक्सीड इन द एफएंड ट्रेडिंग ओके फ्रेंड्स बट इतना ज्यादा बड़ा पैसा बड़ा रिस्क और बड़ा नॉलेज सबके पास नहीं होता है ओनली वन टू फाइव परसेंट लोग होते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इट्स अ कम्प्लीटली वेस्टिंग ऑफ मतलब कि खराब प्रोडक्ट है और एफेड अच्छा नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है बट द रियलिटी इज दैट कि इनको हमें यूज करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में वो हमारे हाथ में यस फ्रेंड्स क्योंकि कोई चीज को यूज करना नहीं करना वो हमारे हाथ में है अ प्लेन भी उड़ रहा है एरोप्लेन मतलब प्लेन उड़ रहा है बट It doesn't mean के हमें चलाना पड़ेगा yes? so kind of okay? so अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसके लिए कौन सी प्रोडक्ट है वो अगर आप समझ जाते हो तो शायद आप लॉस से बच सकते हो मार्केट के अंदर अदरवाइज नाइनटी परसेंट पीपल लूजिंग इन स्टॉक मार्केट दैट्स होप यू क्लियर विद ओके फ्रेंड सो लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो ओके फ्रेंड्स और हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ये सारी चीजें शेयर कर सकते हो आप ओके थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू यू नो वॉट एवर द प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया यू आर यूजिंग ओके सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट